हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अभी जो 5G फ़ोन्स जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं वो आपने लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। अगर आप लोग कोई भी आपको ये कहता है कि आप ये 5G सपोर्टेड है, यानी आपको ये आगे भी काम देगा, जब 5G आएगा हमारे पाकिस्तान में तो ये भाई आपको काम देगा, तो याद रखें कि वो जो 5G फ़ोन होगा उसमें बाकी जो चीज़ें होंगी वो कम होंगी, यानी प्रोसेसर जल्दी गर्म हो जाएगा और मतलब कैमरे का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। लेकिन 5G फ़ोन, मसला ये है कि 5G फ़ोन आपने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। 5G फ़ोन मेरे ख्याल से आपको अभी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसे बंदे हो कि फ़ोन को 5 से 6 साल चलाते हो तो वो आप ले सकते हो फ़ोन 5G वाला। लेकिन अगर आप लोग हो कि 1 आधे साल चलाते हो और फिर चेंज कर देते हो तो फिर आप अभी 5G फ़ोन ना लो, क्योंकि 5G फ़ोन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि जो 5G फ़ोन है वो इस्लामाबाद में अवेलेबल होगा अप्रैल में 2023 में। तो अभी तक 2022 चल रहा है और 21 साल अभी भी है इसको लॉन्च होने में इस्लामाबाद में। तो अगर आप लोग इस लिए लेते हो कि आप जो है 5G सपोर्ट करेगा और आप 1 साल चलाते हो फ़ोन मैक्सिमम और फिर चेंज कर देते हो, तो फ़िलहाल आपको अभी नहीं लेना चाहिए। वो जब 5G ऑफिशियली रिलीज़ हो जाए उसके बाद ही आपको 5G फ़ोन लेना चाहिए। तो बस यही था आज की वीडियो। अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।